पटना गया रेलखंड के कोट हॉल्ट के पास ट्रेन से गिरकर एलआईसी एजेंट की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान होरेलगंज मोहल्ला निवासी शैलेश कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि वो अपने काम से ट्रेन पकड़कर पटना जा रहे थे। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण अचानक ट्रेन से नीचे गिर गए, जिससे घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग जुट गए और इसकी सूचना रेल थाने की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक एलआईसी में काम करता था और इसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन इसकी मौत के बाद परिवार पर संकट टूट पड़ा है। उन्होंने रेलवे से भी परिवार को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि इसके परिवार को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। गया से जो पटना जाती ना गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी 4:30 बजे जी, उसी से आदमी चढ़ करके जा रहे थे पटना की ओर, और उसी बीच में इनका भीड़ के कारण पहले फिसला और ट्रेन पर से गिर कर बेचारा एक्सीडेंट हो गया, डेट कर गए। अच्छा। ये हमारे मोहल्ला होरेलगंज के मोहल्ला कोट एरिया के शैलेश इनका नाम है, हम लोग जानते पहचानते हैं। अच्छा। एलआईसी का काम करते थे छोटा मोटा। अच्छा। गरीब घर का परिवार है, पेट चलाने के लिए एक दो से एजेंसी का थी, एलआईसी का काम करते थे। अच्छा। हमारे कोट एरिया का इन लोग होरेलगंज गए हैं। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के बड़ी संगत मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर ममेरे और फुफेरे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में एक महिला, उसके दो बेटे घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक का कहना है कि उसकी मां काम करके घर लौट रही थी, तभी ममेरे भाई ने उसे घेर कर मारपीट करने लगा। मारपीट होता देख जब परिवार के सदस्य विरोध करने पहुंचे तो और बेल्ट से परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाइयों को भी चोट आई है। तीनों को घायल करने के बाद उसका ममेरा भाई मौके से फरार हो गया। घायल महिला ने बताया कि एक दिन पहले भाई का बेटा वीडियो कॉल कर गाली गलौज करता है, जिसका विरोध करने पर पूरा परिवार शुक्रवार को घर पर आ धमकता है। जब वो काम करके लौट रहे थे, भतीजे पुतोह और भतीजा मिलकर बाल खींच कर मारने लगे। झगड़ा होता देख दोनों बेटे जब बचाने के लिए आए तो उन दोनों ने उसे भी पीटा। घायलों ने बताया कि उनके खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। मामला कहा है कि पूना में उड़ा कराता है, वो उड़ाता है तो फोन सरकार से हम लोग के देता है, तो हम कहे ना कि हमको ही फोन मत करो, नहीं फोन करो। अब वीडियो कॉलिंग करके उसको भी भेज दिया कि हमको गाड़ी देता है। अब भाई हमको उसको गया घर पर चढ़ के मारने के लिए, मारने गया तो मामला खत्म हो गया। बाकी कल उतरा है पूना से, कल उतरा है, गली में चेक करके हमको गाड़ी दे रहा है। हम काम करके आए और उन्हें से आन करके उसको बीबी सोनू कुमार के बीबी अब माए और सोनू कुमार बेल्ट खोल के और अथी श्रीराम कुमार है, सब मिल करके हमको में लट्टा के किया। अच्छा। बेल्ट खोल करके हमको दोनों बेटन के मार के अथी कर दिया और उसको मेहरारू तब झोटा कबाड़ दिया, हमको जीतिया था जीतिया कबाड़ करने भुला दिया, का कर दिया नोच नाच के। कौन लोग थे वो सब? भतीज पुतू है, भतीजा है। कहाँ है घटना? है घटना बड़ी संगत के। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। सर कोई बात विचार नहीं है, मम्मी आ रही थी काम करके, उसके दोनों उसकी भाई से जो मेरा भाई है और उसकी भाई और वो और उसकी मम्मी इसको मारने लगी, तो मैं छुड़ाने गया तो बेल्ट से मार के माथा फाड़ दिया। कितने लोग को मारा है? हमको मेरा भाई को मेरी मम्मी को। तो वजह क्या थी? वजह कोई बात नहीं है। अच्छा। वो लोग उसका भाई है जो संजय वाला, फ़ोन करके गाली बकता है, हम लोग मना किए उसी बात पर। अच्छा। और कोई बात नहीं है। अभी कहाँ आए थे? यहाँ अभी थाना में। थाना में शिकायत की है? हाँ शिकायत की है। अच्छा। कहाँ घटना है? बड़ी संगत। क्या नाम है आपका? रिपी कुमार। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के कोहरा पंचायत के मुखिया और उसके गुर्गों ने मिलकर रोजगार सेवक को मारपीट कर घायल कर दिया। जख्मी रोजगार सेवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना टेहटा थाना क्षेत्र के इवनिंग कॉलेज के पास की है। घायल रोजगार सेवक प्रवीण कुमार का आरोप है कि शुक्रवार देर शाम मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय में काम निपटाकर बाइक से जब वो अपने घर लौट रहा था, तभी टेहटा कॉलेज के पास कोहरा पंचायत के मुखिया आरजू कुमार ने अपने 3 सहयोगियों के साथ मिलकर उसे जबरन रोक लिया और लेबर डिमांड पर हस्ताक्षर करने को कहा। उसने जब कहा कि बिना जांचे वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता,
इस बात पर मुखिया और उसके सहयोगी भड़क गए और मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। मारपीट करने के दौरान गले से सोने की चेन और हाथ से अंगूठी भी छीन लेने का आरोप है, जिसकी लिखित शिकायत टेहटा थाना पुलिस के सामने की गई है। रोजगार सेवक ने बताया कि मुखिया द्वारा गलत काम करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, विरोध करने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी छानबीन में जुट गई है। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। ये टेहटा ओपी के अंतर्गत कोई कोहरा गांव है, वहाँ का मुखिया ने इनके साथ मारपीट किया है, तो यही उन्होंने बताया है। बाकी हम लोग ने यही बोला कि इलाज करा करके टेहटा ओपी में जाके लिखित आवेदन दे। आप कहाँ से हैं? डायलेक्ट से बारह। क्या नाम हुआ? प्रेमचंद कुमार। ये क्रेशर है, उसी मोड़ पर चार आदमी मुखिया सहित चार आदमी वहाँ पर था, मोटरसाइकिल से हमको उतार करके और हमको गाली गलौज करने लगा और कहा कि इतना भाउचर लिए हुए था, इस भाउचर पर वो डिमांड बना के रखे हुए थे लेबर का, इसको साइन कर। हमसे साइन करने भी कहा कि नहीं, भी देखे हुए हम साइन नहीं करें, किसका है क्या है। और नहीं आप कहा कि वो जी पंचायत समिति का योजना तो कैसे खोल रहा है, पंचायत समिति योजना खोलेगा तब तुमको जान मार देंगे, जो गावे का पंचायत करेंगे तब तुमको जान मार देंगे। इसी दरमियान में चारों आदमियों को मारने लगा, हम मुछी धोकर गिर गए, उसी मेरा गला से चैन था और इसमें हम कले अंगूठी पहने थे, कलही डालवे किए थे, वो अंगूठी दोनों निकाल लिया। कहाँ के मुखिया मारपीट किया? कोहरा का मुखिया था, बहुत मार रहा है। क्या नाम? बहुत मार, ऐसे आरजू नाम है उसका दुकान। झगड़ा का रीजन क्या? गलत मानसिकता से, हमसे गलत काम करवाना चाह रहा था। आप कहाँ से आ रहे थे? जी हम ब्लॉक से लौट रहे थे, हमने सर करने से इनकार किया, वो तो उसी समय हमको मारने लगा। 85 मिनट की घटना कहाँ हुआ? घटना हुआ है इवनिंग कॉलेज के पास, रेसर के मोड़ पर।